भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चीन पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा है कि भारत दोहन करने वाला देश नहीं है। जयशंकर ने तंजानिया के दार एस सलाम शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने कहा, आज हम अफ्रीका और इसकी इकोनॉमी को प्रगति करते देखना चाहते हैं। आज अफ्रीका के प्रति हमारा नजरिया अफ्रीका के साथ ज्यादा व्यापार करना, अफ्रीका में निवेश करना, अफ्रीका के साथ काम करना, अफ्रीका में क्षमता को बढ़ाना है, ताकि अफ्रीका का भी उसी तरह उत्थान हो जिस तरह भारत जैसे देश एशिया में बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में चीन की मौजूदगी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हम यहाँ दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद नहीं हैं। हम यहाँ उस तरह से नहीं हैं जिस तरह बहुत से अन्य देश बहुत ही संकीर्ण आर्थिक मकसदों के लिए यहाँ हैं। हमारे लिए ये एक व्यापक और गहरी साझेदारी है। दरअसल चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अफ्रीका के बहुमूल्य खनिज संसाधनों के दोहन में लगा हुआ है। जयशंकर ने कहा, आज दुनिया भारत को एक योगदानकर्ता के रूप में देखती है। दुनिया भारत, भारतीय कंपनियों, भारतीय प्रौद्योगिकियों, भारतीय क्षमताओं को उनके लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद करने वाले के रूप में देखती है। जयशंकर ने शुक्रवार को तंजानिया स्थित राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर कहा, दार एस सलाम स्थित राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक जाकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर उनका बलिदान हमारे इतिहास का अहम हिस्सा है। वे भारत के वैश्विक प्रभाव की याद दिलाते हैं।